स्टूडेंट्स, वेलकम टू द EduTap टेट ऑनलाइन क्लासेस। मैं आशा करती हूँ कि सब बच्चों के CTET एग्जाम की तैयारी काफी अच्छी चल रही है एंड सब बच्चे मोटिवेटेड है, पॉजिटिव है कि पेपर इस बार जरूर क्लियर करना है। माइंड में पहले ये सेट करके रखो कि पेपर इस बार जरूर क्लियर करना है। आज जिन्होंने भी पेपर 2 की मैथ्स और साइंस ऑप्ट किया हुआ है, आज उनके लिए ये सेशन है। आप देख सकते हैं लगभग साइंस के सारे टॉपिक्स मैंने लिखे हैं जो इंपॉर्टेंट है, जिनसे क्वेश्चन आया हुआ है। साइंस की यूजली सीटेट के लिए कहते हैं कि आप 6th, 7th, 8th की एनसीईआरटी कर जाओ। एनसीईआरटी मुझे पता है थोड़ी बोरिंग तो होती है। एक और आपकी बुक्स है जो अच्छी होती है, वो लखमीर बलबीर एस चंद की बुक्स, वो भी आपकी बहुत अच्छी बुक्स है। उसमें ऑब्जेक्टिव्स है, मुझे प्रेफरली लगता है कि वो बुक्स करनी चाहिए। एनसीईआरटी बेस्ड ही है, बस थोड़ा सा ज्यादा बताया हुआ है उसमें और पढ़ के उस बुक्स में से समझ आ जाता है जो आपकी एस चंद की लखमीर बलबीर की बुक्स है। आई प्रेफर, मैंने तो बच्चों को उस टाइम यही रेफर करी थी, अच्छी बुक्स है, थोड़ा ज्यादा पढ़ना चाहिए बिकॉज पेपर अब इतने आसान नहीं रहे हैं। पेपर थोड़ा डिटेल्ड में और एक टू द पॉइंट क्रिस्प पूछा जाता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग अच्छी बुक्स पढ़ो। एंड जितने भी आज तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं, जो जो टॉपिक्स आए हैं, वो मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। वैसे तो आपके 6th, 7th, 8th में काफी सारे टॉपिक्स हैं, बट जो मैंने बोर्ड पे लिखे ये इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आप कर जाना, ठीक है। एक एक करके सारे टॉपिक्स बोलती हूँ। फर्स्ट टॉपिक आपका क्या है, जैसे कि आप देख सकते हो, दैट इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इस टॉपिक के अंदर आपको पता है ना, आपका फोटोसिंथेसिस है, वेरी इंपॉर्टेंट। हर एक पॉइंट आया हुआ है आपका फोटोसिंथेसिस को लेके। फोटोसिंथेसिस में क्या क्या रिक्वायर है, क्या क्या जरूरी है, रिएक्शन कौन सी है, सारा कुछ। सिम्बायोटिक प्लांट्स कौन से होते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कौन से होते हैं, एवरीथिंग, ठीक है, ये जरूर पढ़ना। फिर आपका न्यूट्रिशन इन एनिमल्स में आई थिंक आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में सारा कुछ पता है, जरूर आता है। लिवर, स्टमक के क्या क्या फंक्शंस है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, इनका ऑर्डर क्या है। आप पुराने पेपर में देखना, डाइजेस्टिव सिस्टम से लगभग आपके हर साल क्वेश्चन आया हुआ है। फूड को लेके जरूर आता है, आपके विटामिन्स वगैरह, ठीक है, वो चार्ट आता है फूड के अंदर आपका, ये आता है कौन से फूड है जिनको हम एज अ सीड खाते हैं, कौन से फूड है जिनको हम एज अ रूट खाते हैं, एज अ स्टेम खाते हैं, फिर आपका सारा डाइजेस्टिव सिस्टम, ये जरूर आया हुआ है। देन हीट, हीट चैप्टर में आपका कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ये जरूर पूछा हुआ है। एसिड बेसिस सॉल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये चैप्टर का क्वेश्चन, मतलब इस चैप्टर से क्वेश्चन पक्का है। जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना, न्यूट्रिशन इन एनिमल से क्वेश्चन पक्का है। फूड तो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, उससे डेफिनेट है क्वेश्चन। एक इस चैप्टर से भी क्वेश्चन डेफिनेशन आपका कह लो पक्का ही क्वेश्चन है, डेफिनेटली पेडागोजिकल टाइप क्वेश्चन आता है। ए बी सोल्यूशन दी है, बताना है कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, कौन सा सॉल्ट है। देन फिजिकल केमिकल चेंजेस से भी कभी कभार क्वेश्चन आया हुआ है, एग्जाम्पल लिखा होगा, आपको बताना है कि फिजिकल चेंज है या केमिकल। देन आपका क्या है, वेदर, क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स, इससे क्वेश्चन इतना नहीं आया हुआ है, ये इसलिए मैंने लिखा है बिकॉज थोड़ा बहुत आपको पता है ना, लास्ट ईयर भी एनवायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन सा है, जैसे इस बार आया हुआ था लार्जेस्ट स्नेक कौन सा है, पता नहीं कुछ समथिंग लाइक दैट, क्रोकोडाइल वाला क्वेश्चन था। एसिड रेन क्या है, एसिड रेन में कौन सी गैसेज है, ये सब कुछ आ जाता है। देन आपका विंड्स एंड साइक्लोन, ये चैप्टर्स आपके एनवायरनमेंट में इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। अर्थक्वेक यहाँ पे जैसे मैंने एक लिखा हुआ है, नेचुरल फिनोमेना, अर्थक्वेक के बारे में थोड़ा सा पता हो, वॉल्केनो के बारे में थोड़ा पता हो, ठीक है, अर्थक्वेक कौन से इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं ये पता हो, बेसिक्स है एनवायरनमेंट रिलेटेड, बिकॉज ये भी आपके साइंस में पूछा जाता है। देन आपका क्या है, सॉइल, सॉइल से भी क्वेश्चन आ जाता है, कॉटन के लिए कौन सी सॉइल चाहिए, ब्लैक सॉइल का यूज क्या है, सैंडी सॉइल का यूज क्या है। देन आपका नेक्स्ट है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, इसमें आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, लैक्टिक एसिड पे क्वेश्चन जरूर आता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। क्रॉप प्रोडक्शन से भी आपका क्वेश्चन जरूर आया हुआ है, क्रॉप प्रोडक्शन में आपका क्या पूछा होता है, राबी क्रॉप्स क्या है, ठीक है, उसके बाद इरिगेशन के मेथड्स क्या है, ये भी आपको एक आधा क्वेश्चन जरूर मिलेगा। देन ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, ठीक है, इनके क्या फंक्शन है, जाइलम का क्या फंक्शन है, फ्लोएम का क्या फंक्शन है, वेरी इंपॉर्टेंट ये भी चैप्टर। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये भी क्वेश्चन मिलेगा। इलेक्ट्रिक करंट से भी आपको क्वेश्चन आया हुआ है, दिस इज फिजिक्स का चैप्टर, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये सिलेबस में लिखे भी हुए हैं। फाइबर्स एंड प्लास्टिक से भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग, ये आपने पढ़ा होगा।
मेटल नॉन मेटल जरूर पूछते हैं, ठीक है, कौन सा मेटल है जो रिएक्टिव है, कौन सा अनरिएक्टिव है, रिएक्टिविटी सीरीज, देन कोल एंड पेट्रोलियम, कोल एंड पेट्रोलियम जैसे फ्यूल एफिशिएंसी, कौन सा फ्यूल है जिसकी एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी जिसका कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है, ये सब क्वेश्चंस आपके रहते हैं। कंबशन एंड फ्लेम से भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये थोड़े फिर भी कम इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ये चैप्टर्स, आप इनके क्वेश्चन रेयर देखोगे, कोल पेट्रोलियम और कंबशन फ्लेम के इनके थोड़े रेयर मिलेंगे, तो ये चैप्टर्स थोड़े से आप एक्सक्लूड कर सकते हो। देन सेल, सेल से ज़रूर क्वेश्चन आता है, पावर हाउस कौन सा है, सोसाइटल बैग्स क्या है, साउंड का क्वेश्चन भी डेफिनेट है आपके, साउंड क्या क्या फैक्टर्स है जिस पे डिपेंड करता है, लाउडनेस, एम्पलीट्यूड, ये सारी चीज़ें, फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं ये तो बहुत, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है, ये आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसे मैंने आपको बताया था ये न्यूट्रिशन इन एनिमल्स वेरी इंपॉर्टेंट है, एसिड एंड बेस सॉल्ट्स, इससे मतलब डेफिनेट क्वेश्चन है। सिमिलरली ये एट्थ क्लास का आई थिंक सेकेंड चैप्टर है आपका माइक्रोगैन, जिसमें सारी डिजीजेज गिवन है, वेरी इंपॉर्टेंट, बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, फंगल डिजीज, एवरीथिंग इंपॉर्टेंट। देन रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, असेक्सुअल, सेक्सुअल, ये भी पढ़ना जरूरी है, थोड़े लेंथी चैप्टर्स हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, बट बहुत बारीकी से कभी कभार बीच में से एक आधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। देन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये आपका चैप्टर रीचिंग एज ऑफ एडोलेसेंट, ये आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड्स, एडर्नल ग्लैंड्स, इससे भी आपका क्वेश्चन डेफिनेट है आता है। देन फोर्स एंड प्रेशर, छोटे मोटे क्वेश्चन इससे भी, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इससे भी क्वेश्चन आता है। देन लाइट, लाइट से भी डेफिनेट है कि क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एंड देन नेचुरल फिनोमेना दैट आई टोल्ड, एनवायरमेंट रिलेटेड, कुछ अगर मैं पेट क्वेश्चन, जैसे आपको 20 मार्क्स का कंटेंट है ना, फूड से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर है, डिजीजेस से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर है, एक पानी से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है इलेक्ट्रिसिटी का, कि कौन सा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, एक मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन जरूर आता है। देन वन क्वेश्चन आपको एसिड बेस सॉल्ट का पक्का रहता है, ठीक है, कुछ दो तीन क्वेश्चन एनवायरमेंट बेस रहते हैं, तो ये थोड़ी सी टेक्निक है, आप साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालाइज करो, आपको पता लग जाएगा। बाकी सिलेबस में जैसे मैंने लिखा है एज इट इज, ये टॉपिक्स आपके गिवन है, हर चीज की वीडियो विद इमेजेस एंड एग्जाम्पल्स हम चाहिए, न्यूमेरिकल्स आपके जरूर आते हैं, तो न्यूमेरिकल्स भी कोर्स के अंदर गिवन है। देन आपका अलग से क्विज भी है और प्रीवियस ईयर सॉल्व भी है, एंड ये आपके पेडागोजी के टॉपिक्स है जो कोर्स में डिस्कस किए हुए हैं, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है साइंस टीचिंग के, साइंस करिकुलम इन स्कूल्स, प्रोसेस स्किल्स, मेथड्स इन साइंस टीचिंग, इनोवेशन, ऑडियो विजुअल एड्स, इवेल्युएशन या असेसमेंट, देन रेमिडियल टीचिंग, ठीक है, इसके भी सारे क्वेश्चंस प्लस प्रैक्टिस सेट्स आपको कोर्स के अंदर मिल जाएंगे। अब मैं आपको बताऊंगी कि मैथ्स का कंटेंट क्या रहता है आपका, ठीक है, सीटेट पेपर टू के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट आपका, अब पेपर टू के लिए मैथ्स कंटेंट और पेडागोजी क्या है, ये सिलेबस है आपका, ये आपको टॉपिक्स करके जाने हैं, हर टॉपिक से आपका क्वेश्चन आया हुआ है कोर्स के अंदर। जैसे कि सब बच्चा है नो काफ़ी बड़े फैन है अंकुर सर के, अंकुर सर ने बहुत अच्छी तरह समझाया हुआ है सारे मैथ्स का, एक एक क्वेश्चन अच्छी तरह समझाया है, प्रीवियस ईयर करवाया हुआ है एवरी क्वेश्चन, एंड सेक्शनल टेस्ट भी बनाया कि आप साथ साथ प्रैक्टिस भी करते रहो विथ सॉल्यूशंस। तो यही चैप्टर्स हैं जो आपको हमारे कोर्स में मिलेंगे, इंफॉर्मेशन ऑफ नंबर एंड डिविजिबिलिटी रूल, रिमाइंडर थ्योरम एंड यूनिट डिजिट कंसेप्ट, एलसीएम एंड एचसीएफ, स्क्वेयर रूट एंड क्यूब रूट, सर्ड्स एंड इंडिसेस, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन, रेशियो इनवर्स रेशियो एंड स्केल, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मीन मीडियन मोड रेंज, फ्रैक्शन, फैक्टराइजेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, एक्सपोनेंट एंड पावर, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, मेंसुरेशन 2D, मेंसुरेशन 3D एंड ज्योमेट्री। ये लगभग मैथ्स का भी सेम ही वो रहता है, 20 का कंटेंट होगा, 10 की पेडागॉजी होगी। हालांकि इसमें से मैंने सर से जैसे पूछा बता रहे थे, जो आपके फर्स्ट 5 चैप्टर्स है ना, ये फर्स्ट 5 चैप्टर्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपके बेसिक है फर्स्ट 5, इनसे सर लगभग कह रहे थे 7 to 8 क्वेश्चन इनसे ये आपके फर्स्ट 5 चैप्टर्स है। जिन बच्चों ने भी कोर्स नहीं लिया वो ध्यान रखें, फर्स्ट 5 चैप्टर्स को बहुत अच्छी तरह करके जाइए, जिन्होंने तो कोर्स लिया हो उनके लिए तो आई थिंक सारा कुछ ईजी है। नेक्स्ट सर ने मुझे बताया जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये तीनों चैप्टर, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, मेंसुरेशन 2D, 3D एंड ज्योमेट्री, इनसे क्वेश्चन डेफिनेट है, एंड देन इनसे
12, 13, 14 इस चैप्टर से 11 एक क्वेश्चन हमेशा मीन मीडियन मोड का भी आता है. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. सर टोल्ड मी कि ये चैप्टर्स तो बिल्कुल भी मत छोड़ना. फर्स्ट फाइव आपके बेसिक चैप्टर्स, इनसे क्वेश्चन जरूर है. ज्योमेट्री का क्वेश्चन जरूर है. मेंसुरेशन 2D 3D सर ने फ्री वीडियो एज अ यूट्यूब पे भी डिस्कस किया हुआ है, वो भी देख सकते हैं. बहुत अच्छा सर ने समझा हुआ है. तो ये आपके टॉपिक्स हैं जो आपको कोर्स में मिलेंगे विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड सेक्शनल टेस्ट. एंड ये पेडागोजी के टॉपिक्स आपको मिलेंगे कोर्स में. व्हाट इज द नेचर ऑफ मैथ्स, प्लेस ऑफ मैथ्स क्या इन करिकुलम, लैंग्वेज ऑफ मैथ्स, इवैल्यूएशन, कम्युनिटी मैथ्स, प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग मैथ्स, टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजीज, एरर्स एंड टाइम्स, असेसमेंट, ऑडियो विजुअल एड्स, रिसोर्सेज, रेमिडियल टीचिंग एंड वैन हिले. ठीक है, ये सारे आपके पेडागोजी के टॉपिक्स हैं जो आपको करके जाने. जिन बच्चों ने कोर्स नहीं लिया, जिन्होंने लिया है वो भी जरूर ये टॉपिक्स करके जाएं. एंड लास्टली बस मैं ये बताना चाहूंगी कि जो हमारा EduTap का CTET कोर्स है वो नंबर 1 ऑनलाइन कोर्स बन चुका है फॉर CTET के लिए. ठीक है, कोर्स क्यों पसंद आ रहा है, क्योंकि उसमें 250 प्लस वीडियोस है आपकी. हर एक कंसेप्ट को विद एनिमेशन पिक्चर्स एग्जांपल के साथ समझाया है. 4500 प्लस MCQs है. PDF नोट्स है आपके CDP EVS साइंस पे. एडवांस क्वेश्चंस है एंड आपके मॉक टेस्ट है प्रैक्टिस के लिए. बिकॉज आपका जो CTET का पेपर है वो एप्लीकेशन बेस्ड आता है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, उसकी एप्लीकेशन पूछी जाती है. तो आपको ये चीज समझनी बहुत जरूरी है, तभी बच्चे PDF जो ये बच्चे होते हैं ना CTET की बुक्स है रट जाते हैं, तभी उनका हर बार कई बच्चे 2 साल से एग्जाम दे रहे, कई 3 साल से रह जाते हैं. आप इस चीज को जरूर समझ लें कि पेपर इज एप्लीकेशन बेस्ड. मोर प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड दी प्रैक्टिस क्वेश्चंस. कोर्स का प्राइस बता देती, बहुत ही चीप प्राइस है. पेपर 1 का 3000 है, पेपर 2 का भी 3000 है. अगर आप दोनों लेना चाहते हैं तो 4200 है. कई बच्चे पूछ रहे कि मैम कोर्स पे कैसे हम जाएंगे. ये साइट आप EduTap की साइट है, www.edutap.co.in, इसे क्लिक करिए. फिर वहां पे आपको एक दिखेगा, ये ऐसा वर्ड दिखेगा एक बॉक्स में, कोर्सेज फॉर टीचिंग एग्जाम, आप ये क्लिक करिए. फिर आप नीचे आ जाएंगे, जो भी कोर्स आप लेना चाहते हैं पेपर 1 पेपर 2 का, आप क्लिक करिए एनरोल नाउ. फिर वहां पे आएगा एड टू कार्ट, आप इसको प्रेस करिए. तो वहां पे आपको 2 ऑप्शंस दिखेंगे, या तो लॉगिन या साइन अप. अगर आप न्यू स्टूडेंट है तो आप क्या करेंगे, साइन अप करेंगे. ठीक है, इस तरह आप पहुंच सकते हैं. अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं hello@edutap.co.in. एंड जो वीडियो की आपको आप देख सकते हैं यूट्यूब की वीडियो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसमें कोर्स लॉन्च वीडियो भी है, उसमें जाके भी आप रेफर कर सकते हैं. ठीक है, हम सिर्फ यही उम्मीद करते हैं कि बच्चों का एग्जाम क्लियर हो. आई थिंक हमें सबसे ज्यादा खुशी एज ए टीचर हमें होती है, बिकॉज कोर्स आप लोगों के लिए बनाया गया है. एंड उम्मीद करते हैं इस बार का रिजल्ट काफी अच्छा रहे. बस मेहनत करिए, पॉजिटिव रहिए एंड पेपर आराम से क्लियर हो जाएगा. वीडियो अगर पसंद आई उसे लाइक करें, शेयर करें एंड जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको डेली वीडियोस हर टॉपिक कंटेंट की मिलती रहे. ये मैथ सीरीज का था, CDP इंग्लिश हिंदी का मैं सिलेबस कंटेंट पर पेडागोजी बता चुकी हूँ, जल्दी मैथ साइंस और सोशल स्टडीज का भी बताऊंगी. थैंक यू, दिस इज सोनिया फ्रॉम द EduTap. ऑल द वेरी बेस्ट.